কিন্তু সেটা করে না। गुड मॉर्निंग प्रतीक, बच्चे आए नहीं, आने को टाइम लगेगा लगता है। बहुत हो गया। गुड मॉर्निंग। अभी और 2 मिनट बाकी है, क्लास स्टार्ट हो रहा है। मैंने जल्दी स्टार्ट कर दिया क्लास। ठीक है, 1-2 मिनट में स्टार्ट कर लेता हूँ। बच्चे आ गए क्या? उम्मी, ऋषिकेश, रजनी, जीवाश, फर्शदा, सानिका, नजीर आ गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए अपना कहां तक हुआ था लास्ट टाइम। मैंने आपको डिफरेंट टाइप के वेक्टर बोले थे, ठीक है, उसके आगे का बोलेंगे। मतलब हॉस्ट कॉम्पिटेबिलिटी कैसा होता है, व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ, मतलब समझ में आ जाएगा। गुड मॉर्निंग।
देखिए सर, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया था, मॉलिक्यूलर सीजर हो गया था, क्लोनिंग वेक्टर हो गया था, सेपरेशन ऑफ डीएनए रिमेनिंग क्लोनिंग साइट, एग्रोबैक्टीरियम टिमीफेसियन तक भी बोले थे। रेटिरोवायरस कॉम्पिटेंट, हाँ ये बोलना बाकी है। तो ये बोल लेता, फिर उसके बाद सेपरेशन ऑफ डीएनए बोलेंगे कि डीएनए को सेपरेट कैसा किया जाता है, आइसोलेट कैसा किया जाता है, तो ये भी पता होना चाहिए। डीएनए का आइसोलेशन देखेंगे। तो बाद में क्लोनिंग साइट बोला हमने, ये भी बोला, क्लोनिंग साइट हो गया था, सेलेक्टेबल मार्कर भी हो चुका था, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोला था, एग्रोबैक्टीरियम रेट्रो ट्यूमिफेसियन इसके बारे में बोला है मैंने आपको। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन करता क्या है, इसका रोल क्या है, ये मैं आपको बोल चुका हूँ। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन को क्या बोलते हैं एक बार और सुन लीजिएगा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन को बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट, ये याद रखिए, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो आपको याद रखना है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट, फॉर प्लांट। क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर अगर आपने कुछ यूजफुल जीन इंट्रोड्यूस करना और प्लांट के जीनों पर इस बैक्टीरिया से कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन। मतलब ये प्लांट के लिए मोस्टली यूज करते हैं हम, प्लांट्स, ठीक है। तो जैसे प्लांट्स के लिए हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन को यूज कर रहे हैं, वैसे ह्यूमन के लिए किसको यूज करते हैं, रेटिरोवायरस को। ह्यूमन के लिए हम यूज करेंगे रेटिरोवायरस को। रेटिरोवायरस यहाँ पर एक डायग्राम दिखा वाली आपको, इस रेटिरोवायरस के अंदर मस्ट होना चाहिए ये एंजाइम, इस एंजाइम की वजह से इसको रेटिरोवायरस बोला गया है। कौन सा एंजाइम है दिख रहा है क्या आपको, बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखिए दिखता होगा आपको यहाँ पर, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। ये एंजाइम रहना जरूरी है क्योंकि ये एंजाइम है, इसीलिए ये क्या हो रहा है, ये डिसलाइक करने वाले कौन होते हैं उसको लाइक भी करना गलती से डिसलाइक होता है कि? कोई बात नहीं, आपकी जो मर्जी है वो कीजिए, मुझे कोई बुरा नहीं लगता है। रेटिरोवायरस मतलब मैंने बोला कि जो क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, मतलब आरएनए जेनेटिक मटेरियल लेगा उस वायरस में, वो हमारा डीएनए लेगा और उससे खुद के आरएनए की कॉपी तैयार करेगा। ऊपर देखिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, आगे एसईएम लिखा है, इस एसईएम का मीनिंग होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो हमको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन इस तरीके का दिखेगा। उसके बाद ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिख रहा है हमको, ये GP41 मतलब ग्लाइकोप्रोटीन 41, ये किस टाइप के प्रोटीन होते हैं, इसके ऊपर उसी पर बेस से किस टाइप का ये इन्फेक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है। फिर अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए, ये रेट्रोवायरस में आरएनए रहेगा ही और लिपिड मेम्ब्रेन रहेगी, तो ये रेट्रोवायरस जिससे क्या करता है, हमको इन्फेक्शन करने आता है, ठीक है। ओके ये रहेगा। उसके बाद देखिए निगेटिव लोग ज्यादा है, पॉजिटिव लोग बहुत कम है, बहुत दुष्ट है। खैर ओके ओके, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए कि कौन सा रहेगा और क्या करने वाला। ये टाई प्लाज्मिड होता है, टी प्लाज्मिड, किसके अंदर दिखता है, टी प्लाज्मिड आपको मैंने बोला कि ये दिखेगा आपको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन के अंदर। और यहाँ पर दिख रहा है क्रोमोसोम, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, और साइड में जो दिख रहा है वो टाई प्लाज्मिड है। तो डिलीवर पीस ऑफ टी डीएनए टू ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल प्लांट सेल इनटू अ ट्यूमर, दिस ट्यूमर सेल प्रोड्यूस अ केमिकल रिक्वायर्ड बाय पैथोजन। और टाई प्लाज्मिड बोलते हैं उसको, टाई प्लाज्मिड क्यों बोले, क्योंकि ये ट्यूमर इंड्यूस करता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में देखो दिख रहा है, ये मैं पहले वाला बोल चुका हूँ, एक तो हर बात मैं रिपीट रिपीट करता हूँ सब कुछ, क्योंकि किसी का पार्ट कुछ मिस ना हो, और उसके अंदर कुछ ज्यादा होशियार लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे।
कुछ अनपढ़ लोग दिख रहे इसके अंदर। खैर उसके माता पिता को धन्यवाद। समास कंटक है कुछ, ये दिख रहा है ये प्लांट के रूट। तो ये दिखा हमको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, जिसके अंदर रहेगा टायोप्लास्मिड। टायोप्लास्मिड फिर इसको इन्फेक्शन करके क्या करेगा, इसके अंदर जो डिजायरेबल डीएनए वो हम प्लांट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सो दैट प्लांट के अंदर रेजिस्टेंस आ सके। कौन सा रेजिस्टेंट? ऐसा रेजिस्टेंस। अभी माइक्रोसॉफ्ट का लेक्चर हुआ उसके अंदर वन, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना 132 स्टूडेंट, उधर कैसा है पूरा मॉनिटर करने आता, इधर कैसा है बच्चों के मन पे, मतलब जिसके मन में आया कोई डिसलाइक करके चले जाता चुपके छुपी, मतलब कोई हो उससे असर नहीं गिरता। पर मूर्खता इतनी है कि मतलब सब कुछ लाइट ले लेते, अपने करियर को लाइट ले लेते, इतने मूर्ख लोग। कैसा समझा रहा हूँ उनको, अभी 36 स्टूडेंट है और बाद में क्या बोलेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक हमको समझ में नहीं आया, ये नहीं बोलते कि हम अब्सेंट थे उस क्लास में। वो माइक्रोसॉफ्ट मेरा इंस्टॉल नहीं हो रहा है, वो उसके अंदर कुछ इशू आ रहा है, तो आपको दिखा सकता था मैं, पर जाने दो उसमें टाइम जाएगा इसलिए, है ना। ये माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल किया, कल तक उसी से क्लास लूँगा मैं, फिर बाद में ना रिकॉर्डिंग मिलेगी ना कुछ मिलेगा, फिर बैठो बाद में ऐसा है। ये अगर किधर गई, ये देखिए इसके अंदर अगर मैं मेरा लॉगिन करो तो लॉगिन हो नहीं रहा है, अब वो प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद उसी के ऊपर लूँगा। मतलब छोटे बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड के, कि उनको बोलना पड़ता है क्लास अटेंड करो, क्लास देखो, और नहीं देखे तो उनका ही नुकसान है ना उसके अंदर, फिर कैसा समझ में नहीं आता बच्चों को। जब ये सब नाम के सब रिकॉर्ड रहता ना, जब ऑफलाइन होगा तब इनको समझाना पड़ेगा, तब मूर्ख बच्चे हैं, कुछ कुछ समझ में नहीं आता उनको क्या करना है। बिल्कुल यहाँ पे लॉगिन डाले कि लॉगिन नहीं हो रहा, कल से इसी के ऊपर लूंगा मैं, चल जाएंगे उसमें टाइम जाएगा अपना इसलिए। YouTube बेस्ट है पर, अरे YouTube पे बेस्ट है पर अभी बोल रहा है ना ओम कि 132 स्टूडेंट थे, अभी माइक्रोसॉफ्ट का लेक्चर हुआ तो 132 स्टूडेंट थे, यहाँ पे कितने दिख रहे हैं अभी टॉप चार्ट में 44 स्टूडेंट। अब 132 कहाँ पे और 44 किधर है देखिए, अब ये जो बच्चे वहाँ पे अब प्रेजेंट थे मतलब ये यहाँ पे अब्सेंट है, उनको कुछ लेना देना है नहीं, फिर लास्ट में आके और अलग से दिमाग खाते, वही चीज़ हमको अकेले बिठा के वीआईपी के जैसे बोलो, तो वैसा थोड़ी ना था। हाँ भाई तुम्हारी परेशानी है कुछ है वो समझता आगे का, मैं आपका एक क्लास मिक्स नहीं मिस नहीं होना इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। कल मेरे को वैक्सीन लगाया था कोरोना का, अभी तक बॉडी पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, सब हो रहा है, पर आपका भले क्लास कम टाइम क्यों ना हो पर हो, इसके लिए मैं ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और बच्चे इधर एब्सेंट है देखिए। इस बड़ी तकलीफ आपको कुछ है नहीं, फिर ऐसा क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो टी प्लाज्मिड के बारे में बोल चुका हूँ, उसके बाद रेट्रो वायरस बोला, देखो रेट्रो वायरस वही बोलता अभी रिलेट करके, किधर गया ये, रेट्रो वायरस क्या करता है, वैसे बोल चुका था मैं पर बोलूंगा एक्चुअल में कि इसका रोल कितना बड़ा है, अगर ये चीजें नहीं होती तो क्या होता। देखो किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, रेट्रो वायरस किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी के लिए। क्यों डिस्कस कर रहे हैं अभी समझ में आएगा। ये रेटिरो वायरस, इसका मीनिंग मैं बोल चुका था आपको, रेटिरो वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो हमारे डीएनए को यूज करता है, किससे, खुद के आरएनए से। ये आरएनए किसका आरएनए है, ये रेटिरो वायरस का आरएनए है, रेटिरो वायरस। रेटिरो वायरस के एग्जांपल मैंने बोला अभी एचआईवी, हाँ वही तो बोला, एच आई वी का वायरस रेट्रो वायरस है, कोरोना का वायरस रेट्रो वायरस है, उसके बाद एक आरएसवी नाम का एक वायरस है, राउस सार्कोमा वायरस, ये भी रेट्रो वायरस है, ठीक है। ये सब वायरस है रेट्रो वायरस है, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है आरएनए, ये हमारा डीएनए यूज करता है और खुद के आरएनए की कॉपी तैयार करता है। आपकी कितनी क्लास है अभी, ये क्लास की बात नहीं, तो क्या बोला मैं, जो रेट्रो वायरस है, सुन बेटा सुन, ये जो रेट्रो वायरस है इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल है आरएनए,
ये जब हमारे बॉडी में आते हैं तो हमारे में है डीएनए, इस डीएनए को यूज करके ये अपना आरएनए तैयार करता है, ठीक है। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल बोलता देखो, जो अभी अभी मैंने बोला कि मेरे को कल वैक्सीन लगा, मतलब उसी के बेस पे बोलता हूँ, तो मतलब आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। ये हूं मैं, ठीक है। अब मेरे को कोरोना हुआ ही नहीं था, होना भी नहीं है, तो अब क्या हुआ, मुझे वैक्सीन दी गई कोविशील्ड की, ठीक है। अब ये कोविशील्ड वैक्सीन बनाने में भी, ये कोविशील्ड वैक्सीन जिसने बनाई है वहां पर नाम आता है सीरम इंस्टीट्यूट का, और जो वैक्सीन बना रहे उसके अंदर और एक नाम आता है, देखो भारत बायोटेक। बायोटेक मतलब बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इन्होंने क्या किया, कॉलेज कब शुरू का पता नहीं शिखा, आई एम नॉट श्योर, अगर कुछ आइडिया होता तो मैं जरूर बताता आपको। तो अब क्या हुआ, ये देखो ये चलता नहीं माइक्रोसॉफ्ट टीम, वी आर सॉरी वी हैव रन इनटू एन इशू, अरे इशू है पर मुश्किल हो जा रहा है इससे। ये देखो अब ये कोविशील्ड वायरस में वैक्सीन में क्या किया, ये वैक्सीन है ये पता है हमको, वैक्सीन क्यों दी जा रही है, क्योंकि इन फ्यूचर इस पर्सन को कभी इफेक्ट ना हो कोरोना वायरस से। तो अब क्या करेंगे, ये जो वैक्सीन है इसके अंदर ये प्रिंसिपल यूज किया, किसको यूज किया, रेटिरो वायरस को। रेटिरो वायरस कौन सा यूज किया यहाँ पर, एडिनो वायरस। एडिनो वायरस को लिया जाता है, अब एडिनो का मीनिंग होता है ग्लैंड और वायरस का मीनिंग होता है फ्लूइड। इस वायरस को क्या करेंगे, इस बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब जब ह्यूमन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, तो कल जब वो वैक्सीन दे रहे थे मैंने देखा कितना दे रहे वो, तो क्वांटिटी 2 ml से कम थी, और जो वैक्सीन दे रहे उसको बोला जाता है वायरल लोड। वायरल लोड मतलब कितने वायरस इंजेक्ट किए जा रहे। अब ये वायरस इंजेक्ट करते वक्त तो कुछ नहीं होता, पर एक टाइम के बाद क्या होगा, इन वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है वो क्या करेगा, इस ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डीएनए है उससे अपने आरएनए के कॉपी बनाएगा, और इसके जितने कॉपी हमारे अंदर बढ़ते जाएंगे उतना उतना हमारे में इन्फेक्शन होता जाएगा। पर ये इन्फेक्शन टेम्पररी बहुत अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ टेम्पररी, क्योंकि परमानेंट नहीं होता, इन्होंने गिन के उतने डोज दिए वाले। तो अब क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर के जो इम्यूनोजेनिक सेल है वो क्या करेंगे, इसको मारेंगे पकड़ के। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल बोला था कि आपकी किसी के साथ दुश्मनी है, आपको उसको मारने का है, तो आप क्या करोगे, पहले जिम में जाके प्रैक्टिस करोगे। वो एक ऐसा लंबा लगे वाला होता है देखो जिम के अंदर, ये ऐसा इसको ऐसा बॉक्सिंग करके आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप जाके किसी को मारोगे। सेम मैकेनिज्म यहाँ पर हो रहा है, इट इज पार्शली डेड। हाँ पार्शली डेड, उसको अटेन्यूएटेड बोलते हैं, वीक। कल मैंने वैक्सीन के बारे में बताया था आपको, और भी आगे बता सकता हूँ, ठीक है। अटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है मतलब वीक, अटेन्यूएटेड। तो अब ये देने के बाद क्या होगा, इस पर्सन के अंदर उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी आ जाएगी। वैसे दो डोज देना है, एक ऐसा एक 84 डेज के बाद, तो जब दो बार यानी कि इसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो वो इम्यूनिटी लॉन्ग टाइम के लिए वर्क करेगी, मतलब इसको इन फ्यूचर कोरोना वायरस अगर आएगा तो इन्फेक्शन नहीं करेगा। तो मतलब इस सब के अंदर किसने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बायोटेक्नोलॉजी ने। मतलब देखो अगर आज बायोटेक्नोलॉजी नहीं होती तो वैक्सीन आ नहीं पाती, वैक्सीन आ नहीं पाती तो आपका ये जो अभी ऑनलाइन क्लास है वो ऑफलाइन नहीं हो पाएगा। तो मतलब ऑनलाइन क्लास से ऑफलाइन क्लास होने में भी कौन इम्पोर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी, और ऑफलाइन से ऑनलाइन होने के अंदर कौन इम्पोर्टेंट था, ये वायरस, वायरस की वजह से हुआ। तो मतलब बायोटेक्नोलॉजी के रोल पता होना कि क्या करने वाला हो। तो ये होते रेटिरो वायरस। माइक्रो इंजेक्शन बोलता हूँ, सभी सभी चीज़ें बोलने का मेरे को। अब ये जो वायरस जो है हमारे अंदर, जब ये अब यहाँ तक हमारा हो चुका था, देखिए कि लास्ट टाइम मैंने क्या बोला है, ये क्या है, दिस इज प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड में क्या किया था हमने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाले वाला, ये न्यू डीएनए, दिस इज एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए, और जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने इसके अंदर ऐड किया। अब ये क्या हो गया था, ये हमको पता है, ये आर डीएनए। अब इस आर डीएनए को हमको किसके अंदर डालने का है, बैक्टीरिया में। तो यहां पर ये बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया,
ओके, ये है बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया में क्या करने का, हमको इसको डालने का है, ठीक है। पर मैंने क्या बोला कि ये जो आरडीएनए बनने वाला है रिकॉम्बिनेंट, इसको बैक्टीरिया में डालने के इसके फोर मेथड है। हाँ, ह्यूजशॉक मेथड हुआ था, सभी मेथड और एक बार रिवाइज करता हूँ। तो इसके अंदर ये मेथड था, एक रहता है ह्यूजशॉक मेथड बोला था मैंने आपको, एक रहेगा माइक्रो इंजेक्शन, एक यूज किया जाता है जीन गन, इनको यूज किया जाता है। या तो बाकी चीजें पता है, देखिए बाकी मैंने बोला था आपको माइक्रो पिपेट यूज कर सकते हैं। सो जैसे आपने ये इनविट्रो फर्टिलाइजेशन में आपको पता है कि स्पर्म वो एक के अंदर कैसा इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वैसे मेथड है। तो ये वन बाय वन मेथड देखेंगे। यहां पर देखिए, तो रेट्रोवायरस इन एनिमल कैन ट्रांसफॉर्म अ नॉर्मल सेल इंटू अ कैंसरस सेल, मतलब रेट्रोवायरस में कैपेसिटी देखिए, नॉर्मल सेल को वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर सकता है इन्फेक्शन करके। तो यहां पर देखो क्या लिखे वाला है, प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो मतलब पहला, ऑन्कोजीन मतलब क्या होता है, कैंसर कॉजिंग जीन है ये, कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये जीन। पर मैंने बोला था ये जीन आप में, मेरे में, सब में है, पर जब ये, हाँ ये सब बोलता मानसी, ये हुआ नहीं हमारा। जीन गन क्या होता है ये सब मैं बोलने वाला, वन बाय वन सभी बोलने वाला, अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है। मैंने ये बोला कि हमको देखना है, देखे नहीं, देखना है, ठीक है, बोल रहा हूं मैं। उसके बाद देखो इन्फेक्शन ऑफ रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस कैसे इन्फेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद ये है ऑन्कोजीन्स। अब ये देखिए, ये नॉर्मल सेल थी, मैंने क्या बोला तुम्हारे, हाँ अभी बोलने वाला मान से, मैंने क्या बोला कि अभी आप में, मेरे में, सब में क्या है, ऑन्कोजीन है। पर कोई भी पर्सन में, जब इस पर्सन के अंदर, सभी के अंदर रहेगा ऑन्कोजीन, ठीक है, इसके अंदर कौन है, ऑन्कोजीन इसके सेल में। अब इस ऑन्कोजीन को जब रेटिनोवायरस अफेक्ट करता है तो वो कैंसर कर सकता है, इट कैन कॉज कैंसर, ठीक है। तो वैसे ये रेटिनोवायरस आया, इसने इस ऑन्कोजीन को अफेक्ट किया, फिर ये जो नॉर्मल सेल थी ये सेल किस में कन्वर्ट हो गई, कैंसरस सेल में, किसके हेल्प से, रेटिनोवायरस के हेल्प से। तो ये क्या कर सकते हैं, इसमें फिर हम डिलीवरी जीन भी डाल सकते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, मेरे पास सपोज 10 लोग ऐसे हैं कि जो गुंडे खतरनाक है, किसको भी मारते हैं, किसी के भी सपोज पैसे लूट के लाते हैं, ऐसे 10 लोग मेरे पास है। सपोज वो गलत काम कर रहे हैं, मतलब किसी को मारना, किसी के पैसे लाना, किसी को तकलीफ देना, ये गलत है सपोज, हाँ ठीक है, ऐसे मेरे पास 10 गुंडे, अब मतलब विलन है जो भी है। अब मैंने क्या किया, उन सभी 10 लोगों को मुझे उनको अच्छा करना है, तो मैंने क्या किया, उनको कुछ अच्छी चीज़ें सिखाई। इंस्टेड ऑफ आप चोरी करके किसी के पैसे ला के किसी को तकलीफ दे रहे हो, उसके नाम का क्या कीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें सीखिए कि जिससे जिन लोगों का आप बुरा करो उनका अच्छा करो। समझ में आ रहा क्या मैं क्या कंसेप्ट बोल रहा हूँ, जो पर्सन कुछ गलत कर रहे हैं उन्हीं के अंदर हम उनका माइंड ट्रांसफॉर्म करके उनसे अच्छे काम करा सकते हैं। सेम यहाँ पर वैसा हो रहा है, ये रेट्रोवायरस जो कैंसर करने के लिए इन रिस्पॉन्सिबल है, इसी के अंदर हम क्या करें, डिजायरेबल जीन डाल रहे हैं। क्यों डिजायरेबल जीन डाल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर वो कैपेसिटी है कि एक कोई पर्टिकुलर सेल में जाके जो उसके अंदर डीएनए डालने वाला है उस डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक दिखाना। जैसे मैं बोला कि 10 बदमाश लोग हैं जो लोगों को हमेशा तंग कर रहे हैं, पर उनको कहीं पर ले जाया गया, सुधारा गया, अच्छी चीज़ें उनमें डाली गई, उनका माइंड ट्रांसफॉर्म किया गया, तो जो लोग गलत काम कर रहे हैं वही लोग वापस अच्छा काम करेंगे। आप बोलोगे पर ज़रूरत क्या है, क्योंकि पहले वही गए थे ना, उनसे ही हो रहा है, तो उनको वापस डालेंगे। ये इसके ऊपर मतलब इस तरीके से काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कॉम्पिटेंट होस्ट, कॉम्पिटेंट का मीनिंग ये होता है, अभी मैं बोल रहा हूँ मेथड, ये जो प्लाज्मिड है आरडीएनए कौन सा, ये ठीक है, इसको हमको डालने का इस बैक्टीरिया के अंदर। तो अब जब हम ये इसके अंदर डालेंगे तो ये जो बैक्टीरियल सेल दिखाई दे रही है हमको, ये बैक्टीरियल सेल, ये इसके लिए कॉम्पिटेंट होस्ट का काम करने वाली है। कॉम्पिटेंट होस्ट इसके अंदर डालना है, क्यों डालना है तो मैंने आपको बोले वाला है। इसके अंदर डालने के अलग अलग मेथड है, वही मेथड हमको देखने के हैं।
कौन कौन से मेथड मैंने यहाँ पर नीचे नाम लिखे वाले वही मेथड हमको देखने का है। तो पहली मेथड है हीट शॉक मेथड, जो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ हीट शॉक मेथड। इसके अंदर देखिए, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको। अब यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ये जहाँ पर कर्सर मैं घुमा रहा हूँ, ये है सेल वॉल। किसकी सेल वॉल? बैक्टीरिया की सेल वॉल है। ये बैक्टीरिया का डीएनए। अब ये बैक्टीरिया अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। अब इसके अंदर क्या करें हम, इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर थोड़ा लिक्विड डालेंगे हम, जिसके अंदर रहेगा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड की वजह से क्या होगा स्टूडेंट, कम कैसे हो रहा है? अभी देखो 59 थे, अभी 47 हो गए, 59 to 47 ऐसे भाग जाते बीच में। इसलिए क्लासरूम बना वाले सो दैट बाहर भाग के ना जाए छोटे बच्चे, वैसा करते। कैल्शियम क्लोराइड यूज करने की वजह से क्या होगा, ये जो इसकी सेल वॉल है, किसकी सेल वॉल? बैक्टीरिया की सेल वॉल। ये परफोरेट होने में काम को आता है। परफोरेट मतलब होल। जैसे बोला ना आपको इंजेक्शन देने का है, तो इंजेक्शन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने बॉडी में होल करना पड़ता है। तो इसलिए क्या करते हैं, हमको इंजेक्शन देते हुए तो वो सुई यूज कर, जिससे हमारे अंदर वो लिक्विड अंदर जाएगा। माउथ से नहीं देना आता, क्योंकि माउथ के अंदर हमारे लाइसोसोम सोन चीजें जो डायरेक्टली उसको बाहर ही मार देंगे, अंदर आने नहीं देंगे। तो इसलिए बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के लिए इंजेक्शन यूज किया। तो वैसे क्या करेंगे, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड यूज करने के वजह से यहाँ पर ये परफोरेशन होगा, होल होंगे। फिर उसके बाद इस प्लाज्मिड को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए हीट शॉक मतलब टेम्परेचर देना पड़ेगा 45-42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कितने टाइम के लिए? 2 मिनट के लिए, जिसके वजह से यहाँ पर परफोरेशन होगा और ये क्या होगा इसके अंदर जाएगा। ठीक है, ये टेक्निक मैं पहले एक बार बोल चुका आपको, और एक बार बोलता हूँ, यहाँ पर समझ में आएगा क्योंकि पीपीटी में शॉर्ट में मटेरियल दिया। ये था बैक्टीरियल सेल। ठीक है, बैक्टीरियल सेल में क्या बोले हम, इसका ये खुद का जेनेटिक मटेरियल है। दिस इज बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। ठीक है, या बैक्टीरियल डीएनए बोले। ये कैसा, अभी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, इसके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, नॉन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया हमने, इसके अंदर हमको डालने का एलियन डीएनए। ये है एलियन डीएनए। ठीक है, ये एलियन डीएनए जो इस प्लाज्मिड में, अब इस प्लाज्मिड को हमको इसके अंदर डालने का है। तो ये मेथड कैसे हो रही, तो मैंने बोला ये एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ तक वाटर है और इसके अंदर ये सब बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? यही बैक्टीरिया। ठीक है, और ये प्लाज्मिड लिया हमने अलग से इधर, ये है प्लाज्मिड। ठीक है, ये हमने लिया अलग से। अब ऐसे बहुत सारे प्लाज्मिड डाल रहे हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही प्लाज्मिड निकाला है, ऐसे बहुत सारे प्लाज्मिड है। तो ये टेस्ट ट्यूब पहले कहाँ पर रखी वाली, ये आइस के लिक्विड में रखी वाली है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, कोल्ड वाटर है। ठीक है, कोल्ड वाटर में क्या किया वाला है, ये सब बैक्टीरिया रखे वाले हैं। अब क्या किया हम, ये जो कोल्ड वाटर में सब बैक्टीरिया रखे वाले, इस टेस्ट ट्यूब को हमने बाहर लाया, ये यहाँ पर ये पानी है और इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, पहले तो डाला कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड डाला। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड डालने के बाद मैंने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब को हीट दी। कितनी हीट दी? 42 डिग्री सेल्सियस तक। पोलियो वैक्सीन हैज एक्चुअली प्रोटीन इन मोर नंबर देन पार्शियली डेड। हाँ बराबर है, क्योंकि प्रथमा पोलियो की वैक्सीन दो टाइप की रहती है, एक रहता सैबिन वैक्सीन, एक रहता ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, दोनों अलग अलग है। एक इंजेक्शन से भी दिया जाता है पोलियो, और एक माउथ के अंदर दो बूंद जिंदगी के, तो वैसे भी। तो अब ये 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने की वजह से ये क्या करेगा, परफोरेशन करेगा बैक्टीरियल सेल पर, परफोरेशन ऑन बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल।
ये जो सेल है यहाँ पर ऐसे परफोरेशन मतलब ऐसे होल तैयार करेगा, ठीक है, टेम्पररी। टेम्पररी होल तैयार करने की वजह से क्या होगा, ये प्लाज्मिड इसके अंदर एंटर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ये प्लाज्मिड एंटर हो गया। अब एंटर होने के बाद ये जो सेल नॉन ट्रांसफॉर्म थी वो सेल क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म, क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मिड चले गया। इतना होते ही वापस इस टेस्ट ट्यूब को क्या करने का, हमको कोल्ड कंडीशन में रखना है। समझ में आ गया क्या क्या बोले हम यहाँ पे, जो बोला मैं समझ में आया क्या बोलो? समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या बोले? ये तीसरी बार बोल चुका हूं मैं हीट शॉक मेथड क्या होती है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इस प्रोटोकॉल समझो, हमने क्या किया, आर डीएनए लिया मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको हमको डालने का बैक्टीरिया में। पर बैक्टीरिया हमने पहले कहाँ पर रखे थे, एक कोल्ड सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। फिर उसको क्या किया हम, उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड डाले हमने, सबको समझ में आ गया बोल रहे, उसको फिर हमने क्या किया कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया। फिर उसके बाद हमने 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, इसके वजह से क्या हुआ, बैक्टीरियल सेल में परफोरेशन हुआ, परफोरेशन होल ओपन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस हो गया किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद अंदर डालने के बाद वापस क्या किया हम, इसको कोल्ड ट्रीटमेंट, वापस इसको कोल्ड इसके अंदर डाल दिए, क्यों, सो दैट पोर गेट क्लोज, पोर गेट क्लोज मतलब जो पोर है वो बंद हो जाने चाहिए, ठीक है। पोर गेट क्लोज किसके पोर, बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर के थे वो, बस हो गया डीएनए गया। तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, हीट शॉक मेथड, वेरी इजी मेथड हो गई ये मेथड। अब दूसरा देखो, तो ये पढ़े समझ में आता है, डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये बोला सर वैक्सीन आर स्टोर्ड इन विच कोल्ड सब्सटेंस, अरे कोल्ड सब्सटेंस मतलब आइस ही लगता ना, और कौन सी चीज कोल्ड रखेंगे, कोल्ड मतलब साइड को आइस रहता, आइस के अंदर ही, आइस का जो लिक्विड होता ना वैसा, एक प्लास्टिक का डब्बा लेने का उसके अंदर ठंडा पानी भर के रखने का और उसके अंदर वैक्सीन को रखने का वैसा। अब और कोल्ड चीज बोले तो लिक्विड नाइट्रोजन को हम यूज कर सकते हैं, पर वो उसके लिए नहीं लगेगा, लिक्विड नाइट्रोजन ज्यादा देर तक अगर किसी चीज को कोल्ड में रखने का, बहुत ज्यादा देर तक उसके अंदर रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर है, आप कोई भी मेडिकल के अंदर जाते हैं, मेडिकल शॉप के अंदर, तो वहां पे कुछ चीजें उनको ठंडा टेम्परेचर देना जरूरी है, तो वो फ्रिज में रखते हैं ऐसा। ये बोले देखो सेल्स आर इंक्यूबेटेड ऑन द आइस, पहले आइस पे रखने का है, फिर टेम्परेचर 42 डिग्री देखने देने का है, एंड पुट देम बैक ऑन द आइस, दिस इनेबल द बैक्टीरिया टू टेक अप रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये सब, हाँ रेफ्रिजरेटर में रहता है, हाँ वही तो बोला ना, रेफ्रिजरेटर में रहता है। पर इमेजिन ओ आपको पोलियो के वैक्सीन है, आपको आपके घर से तो कॉलेज में लाके, सपोज कुछ बच्चे आए सपोज कॉलेज में छोटे, उनको देना है, तो अब क्या फ्रीज सर पे उठा के थोड़ी ना अपन लाएंगे। हम क्या कर सकते हैं वैसे कंडीशन में, ये एक ऐसा डब्बा प्लास्टिक का, ठीक है, ये यहां से ऐसा ऐसे डब्बे मिलते, देखिए इसमें यहाँ पर ढक्कन रहेगा, इसमें हम ठंडा पानी डालने का और यहाँ पे वैक्सीन के एम्पुल रखने के, और इसको बाहर से पैक करता अपना थर्मास होता ना वैसा, और इस डब्बे को आप क्या करोगे कॉलेज तक लाओगे, क्योंकि ये ठंडा देने के लिए काम कर, उस वैक्सीन को ऐसे पॉकेट में डाल के घूमते आए तो वो खराब हो जाती है, पॉइजन हो जाता वो मेडिकल में। हाँ आपने मेडिकल में बोला वो सही है, पर मैं बोल रहा हूँ अगर अपने को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वैक्सीन ले जाने के, तो उस समय रेफ्रिजरेटर को ले जाना मुश्किल है, तो उस समय में ऐसा करेंगे, ये बोला मैं। अब देखिए नंबर टू मेथड है माइक्रो इंजेक्शन। अब माइक्रो इंजेक्शन में क्या करते हैं, आर डी एन ए डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल। कैसा होता है ये देखिए, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये है, दिस इज माइक्रो इंजेक्शन, यहाँ पर दिख रहा है, तो डीएनए
ये इंजेक्शन। अब ये कैसा करते देखो, इसके लिए आपको आईवीएफ देखकर समझ में आता, ये हो गया बैक्टीरियल सेल। इसके अंदर अभी दिखाया था मैंने आपको, ये है बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, ये प्लास्मिड डाल रहे हैं। कौन सा प्लास्मिड? हाइब्रिड प्लास्मिड, ये सब ठीक है, मतलब ये आरडीएनए। ये नंबर टू की मेथड बोल रहा हूँ जिसके अंदर हम यूज कर रहे हैं माइक्रो मतलब छोटा और इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन। अब इसको अंदर डालने के लिए क्या रहता है, ये कैसी बड़ी नीडल रहती है, ये इंजेक्शन सिरिंज रहती है, सिरिंज मतलब पिचकारी, और इसके आगे रहेगा नीडल। इसके अंदर क्या करते है? इसको लोड करते है। किसको लोड कर रहे हैं? आरडीएनए को, ऐसे बहुत सारे, और इसको क्या करते हैं इस बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट करके इसको डाल देते हैं। सिंपली यही मेथड है, या तो माइक्रो इंजेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ, पर वो कॉपीराइट एक्ट आता है फिर, और वो किरकिरी होती है। ये दिखा दूंगा मैं कल और आपको, उसके फोटोग्राफ ऐड करके, या तो होगा आगे फोटोग्राफ। तो माइक्रो इंजेक्शन देखिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंसर्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, ठीक है। ये हो गया, ये मेथड बोली मैंने आपको। अब उसके आगे देखिए, यहाँ पर भी है देखो, माइक्रो इंजेक्शन नीडल विथ फॉरेन डीएनए। अब यहाँ पर डाल रहे देखिए, ये है होल्डिंग पिपेट, ये है हॉस्ट सेल, हॉस्ट सेल मतलब जिसके अंदर हमको डीएनए डालना है। ये ब्लू कलर का हो गया न्यूक्लियस, रेड कलर का हो गया साइटोप्लाज्म, ये जो हमको सिरिंज दिख रही है, सिरिंज मीन्स पिचकारी, और ये हो गया इसकी नीडल। अब ये जो लिक्विड दिख रहा है इसके अंदर हमने क्या डाले वाला है, रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड, ऐसा प्लास्मिड जो हाइब्रिड है, तो वो इसके अंदर घुसने के बाद क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे। तो ये होगा ये बाजू की, ये मशीन जो है इसको बोलते हैं जीन गन या बायोलिस्टिक बोलते हैं इसको। ये क्या करती है, मैं आगे के पॉइंट में बोल रहा हूँ, ये है जीन गन, ये मिलता है, ये होल्डिंग पिपेट है छोटा सा, इसका कल मैं एनिमेशन ऐड कर लूंगा और आपको फिर दिखाऊंगा, कल एनिमेशन ऐड कर लूंगा मैं इसका, फिर उसके बाद दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए और एक मेथड बोलता हूँ, ये हो गया दूसरी टेक्निक। अब तीसरी बोलता हूँ, अब क्या होता है, एक रहता है बायोलिस्टिक गन जो आपको अभी डायग्राम में दिखा, ये थर्ड मेथड बोल रहा हूँ कि जिसके वजह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्लांट सेल में, मैक्सिमम प्लांट सेल के अंदर डालने के लिए किसको यूज करता है, तो बायोलिस्टिक, या इसको बोलते हैं जीन गन। जीन गन, जीन गन क्यों बोला गया है, क्योंकि इस गन में क्या करता है, जो अपना आरडीएनए इसको कोट करेंगे किसके साथ, विथ टंगस्टन, टंगस्टन और गोल्ड भी यूज करते हैं यहाँ पर, गोल्ड भी यूज़ करते हैं। क्लास खत्म होगी। हाँ, तो एक तो टंगस्टन यूज करते हैं हम, या तो गोल्ड यूज करते हैं, गोल्ड के पार्टिकल भी एडवल आए यहाँ पर, गोल्ड लगता है। उसको क्या करेंगे, ये बुलेट हो गया देखो, छोटी सी बुलेट, बुलेट मतलब गोली, इसके ऊपर क्या किया हम, एक तो टंगस्टन या गोल्ड इसका रहेगा ये, और इसके ऊपर क्या किया वाला हमने, आरडीएनए लगाए वाला है, और यहां पर हो गई ये प्लांट की सेल, ये सपोज हो गया प्लांट। अब क्या करेंगे हम, ये हो गई गन, ये गन हो गया, ये गन, गन कैसे, मैं अभी और डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं, ये हो गई जीन गन। इस गन के अंदर हम क्या करेंगे, ये बुलेट लोड करेंगे, कौन सी बुलेट, जो टंगस्टन या गोल्ड वहां पर यूज किए वाला है, और उसके ऊपर किसका कोट किए वाला है, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको हमको इस प्लांट के अंदर डालना है। तो क्या करेंगे, इस बुलेट को जब फायर करेंगे तो ये विथ हाई वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब स्पीड, बम्बार्डमेंट होगा, बम्बार्डमेंट, बम्बार्ड मतलब समझ में आता है, जाके अंदर जाना,
जैसे किसी को बुलेट मार के एकदम अंदर घुस जाता है, तो वैसे। पर हमको पता है कि प्लांट के अंदर सेल वॉल होने की वजह से वो हार्ड है, तो उसके अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए मोस्टली झिंगन को यूज करता है एज कम्पेयर टू एनिमल, क्योंकि प्लांट के अंदर सेल वॉल है, तो इनके लिए यूज किया जाता है बायोलिस्टिक गन और जीन गन। अभी समझा क्या मानसी, जीन गन क्या पूछ रहे थे आप? ये होता है जीन गन, अभी दिखाता हूँ। ये देखो, ये गन है। ये कौन सी गन है? इसको बोलते हैं जीन गन। दिखाई दे रही क्या ये जीन गन? जीन गन होता क्या है? यहाँ पे इसका ट्रिगर है और यहाँ पर आपको दिख रहा है प्लांट से। दूध वाले मामू, दूध मामा आए। अच्छा एक मिनट, एक ये देखिए, ये जिम्नस गन। ये तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं, अच्छे से गन दिखा रहा हूँ बीच का। कौन सी गन है वो? पता नहीं। ये प्लांट के, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है क्या, ये लीफ किधर का? ये यहाँ पर देखिए, ये लीफ दिख रही है, इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया। वैसे प्लांट के सभी पार्ट में डीएनए है ही, तो वहां पर इंट्रोड्यूस कर। अभी देखिए 59 से स्टूडेंट हो गए 33। ये ऐसा अगर एकदम कम होना ना, तो आप यानी कि साइंस में आना ही नहीं, नीट का जो है वो करना ही नहीं, अगर इतना कम होना है ना क्लास में से, मतलब जब। इसलिए वो माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर लेना है क्लास, कि जिसकी वजह से अटेंडेंस समझ सके। ये है जीन गन, जिसके अंदर मैंने क्या बोला कि जो आरडीएनए वो कोट किया जाएगा किसके ऊपर, टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल ले सकता है। और ये जो नीचे दिख रहे हैं हमको यहाँ पर, यहाँ से समझ में आता है कि ये ऐसा दबाने का, दबाते क्या होता है, यहाँ से बुलेट के जैसे ये फायर हो जाएंगे इसके अंदर। और फायर होने के बाद क्या होता है, ये जो डीएनए ये इस प्लांट में चला जाएगा और प्लांट के डीएनए के ऊपर ये अपना कंट्रोल करेगा, और जो हमने इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस किया वाला है वो अपने कैरेक्टर दिखाएगा जिसके वजह से काम करता है, तो ऐसा रहेगा। इसलिए काम की चीज़ है जीन का, इसको बायोलिस्टिक बोलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखे वाला है बायोलिस्टिक और जीन गन। द सेल्स आर बम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल। माइक्रो मतलब स्मॉल, माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विथ डीएनए, मतलब ऐसी बुलेट जिसके ऊपर गोल्ड या टंगस्टन कोटेड किए वाला है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्लांट। क्यों प्लांट के लिए? तो मैंने बोला ट्रिगर, हाँ ट्रिगर बोलते उसको। तो यस ये हो गया। उसके बाद देखिए डिसआर्म पैथोजन वेक्टर। डिसआर्म पैथोजन वेक्टर, तो व्हेन इट इन्फेक्ट द सेल इट ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द यानी कि होस्ट के अंदर डीएनए ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं डिसआर्म पैथोजन। डिसआर्म का मीनिंग क्या होता है? तो ये एक मेथड है। डिसआर्म का मीनिंग क्या होता है? निरस्त्र, निहत्या। इसके अंदर सीधा मतलब अपन कोई जीन गन यूज नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली क्या करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में डालने को देखते हैं, उसको बोलते हैं डिसआर्म पैथोजन। डिसआर्म व्हाट, बट व्हाट इज द नीड टू कोट द डीएनए और पार्टिकल विथ गोल्ड और वुल्फ्राम? अच्छा क्यों जरूरत है? अगर समझो हम डायरेक्टली अगर वो
डीएनए डालेंगे कैसे, वो उसके अंदर बैठता है, वो जो बुलेट होती है वो बुलेट बने वाली है टंगस्टन या गोल्ड से। और आपको केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि गोल्ड कैसा एलिमेंट है, ये ऐसा एलिमेंट है कि जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता है, ये पता है आपको। तो इसलिए हम गोल्ड के ऊपर डीएनए को कोट करके डाल सकते हैं उसके अंदर। डायरेक्टली डीएनए को इस गन में कैसा डालेंगे, ये तो बहुत छोटे गन में जाके किधर इधर घुस जाएंगे वो। तो इसलिए उस बुलेट के ऊपर कोट करना जरूरी है। और वो बुलेट हम टंगस्टन या गोल्ड की इसलिए बना रहे सो दैट वो डीएनए इस केमिकल के साथ रिएक्ट होकर इधर ही बैठ ना जाए, उसको उधर जाने का, प्लांट की तरफ जाने का। अगर हम टंगस्टन या गोल्ड अगर यूज नहीं किए, उसकी जगह अगर सपोज हम आयरन की बुलेट यूज किए, तो वो डीएनए वो आयरन के साथ रिएक्ट होकर अपना अपना उधर ही चिपक जाता है, वो प्लांट के अंदर जाता ही नहीं, तो फिर हमारा काम नहीं बनेगा। इसलिए हम गोल्ड के पार्टिकल यूज कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड आपको पता है बहुत कम रिएक्टिविटी है, गोल्ड सॉइल में मिलता है, बाकी एलिमेंट के साथ वो रिएक्ट नहीं होता है, ये पता होगा आपको। समझ में आया क्या? गोल्ड बहुत नीचे मिलता है, यहाँ पर पिपेट खत्म हुई लगता है। वो देखो, तो ये बोला, एक मिनट इनको नोट्स वाइज भी बोल देता हूँ, मतलब उसके अंदर थोड़ा और डिटेल में दी वाला है। हाँ समझ में आ गया, गोल्ड इसलिए हम यूज करता। अरे ये माइक्रोसॉफ्ट को क्या हुआ, इसको एक ही चालू करना पड़ेगा। ठीक है, बायोलिस्टिक गन, मतलब ये सब मेथड समझ में आ जाना। और चौथी थी डिसआर्म पैथोजन, मतलब डिसआर्म के अंदर क्या कर रहे थे हम, पैथोजन वेक्टर मतलब डायरेक्ट, उसके अंदर कुछ ज़्यादा इसकी जरूरत नहीं गिरती हमको, यानी कि जीन गन इसकी कोई जरूरत नहीं गिरती है। जिंगल बेल, एक बार ये मेथड बोल देता हूँ, आगे का फिर बोल जाएगा। चारों मेथड समझ में, मतलब पक्के याद हो जाना चाहिए कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब प्लाज्मिड के अंदर यूजफुल जीन डालने के बाद उसको प्लांट या एनिमल के अंदर हम किस तरीके से डाले जाते हैं। हमको भी पता है, सब क्लियर है कि यार। तुझे समझ में आया क्या, क्या हुआ, समझ में आया? सिर्फ थोड़ा ही समझ में आया, थोड़ा ही समझ में आया। क्या करे तो वो बोल थोड़ा जो समझ में आया, रू मत कर, क्या समझ में आया वो बोल। अरे याद नहीं, अरे आपने बहुत देर, बहुत देर बाद बोला ना, तो ये मुझे याद नहीं है। उसके बाद ये बाद में हमको आरटीपीसीआर देखने का। अच्छा, इधर वो मेथड देखेंगे, मतलब वो मेथड ये देखिए यहाँ पर अच्छे से दिए वाला, इसलिए यहाँ पर से एक बार रिवाइज कर दो। देखिए ये तो मेथड आपको सीधी सिंपल गई, हॉस्ट सेल में कैसा डालते हैं बाय हीट शॉक मेथड, तो सबसे इजी गया कि डिफरेंट टाइप ऑफ हॉस्ट अवेलेबल लाइक यूकैरियोटिक, ईस्ट, एनिमल सेल या प्लांट सेल, जिसके अंदर हमको डीएनए डालने का, जिसके लिए हमने हीट शॉक मेथड यूज की थी, जिससे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या एनिमल बना सकते हैं। माइक्रो इंजेक्शन में देखिए, इट इज अ मेथड ऑफ आर डी एन ए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन टू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डाल रहे डायरेक्टली बाई यूजिंग माइक्रो नीडल और माइक्रो पिपेट। ये बोलते हैं, मैंने दोनों नाम बोले वाले आपको, माइक्रो नीडल, माइक्रो पिपेट या माइक्रो इंजेक्शन, ये तीनों नाम एक ही है। ठीक है, इट इज यूज इन ऊसाइट एक एम्ब्रियो, उसके अंदर जहाँ पर आई एफ पी टेक्निक भी बोली है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जेपीएस, जेपी है, जेपी सर मत बोलो, कैम्बरलिन ईटल, ईटल का मीनिंग होता है कोवर्कर। कल किसी ने मेरे को डाउट भेजा था ये क्या ईटल, तो मैंने बोला ये आपको कि ये इसको कोवर्क बोल बोलता है, कोवर्कर मतलब उसके साथ के उनके फ्रेंड जो काम कर रहे हैं। ह्यूमन जीनोम सेंटर, मिशिगन यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव क्योर्ड द माइस दैट इनहेरिट द न्यूरोमस्कुलर डिसीज विच इज लाइक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इन ह्यूमन। एक रैट, रैट के अंदर क्या हो रहा था, हर जनरेशन में एक इन्फेक्शन हो रहा था मसल से रिलेटेड। अब उसके अंदर क्या हो रहा था, उनके मसल खराब हो रहे थे, तो मसल खराब होने के पीछे कुछ जीन रिस्पॉन्सिबल है आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स के अंदर। मस्कुलर डिसीज आपके हो चुके हैं, जिसके अंदर आपको बोला गया था कि कुछ डिसीज जो मसल के वो जेनेटिक है, तो उस कंडीशन में जो खराब जीन है, जो डिफेक्टिव जीन है,
जिसके वजह से मसल में फॉल्ट आ रहा है, वो जीन को निकाल देना और यूजफुल जीन डालना। तो ये किया गया था रैट में बाय यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो जिसके वजह से उसके अंदर एनएमजे मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जो डिसीज हो रहे थे वो क्योर किया गया माइक्रो इंजेक्शन के हेल्प से। उसके बाद डायरेक्ट डीएनए का इंजेक्शन इंट्रोड्यूस कर सकता है। डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ डीएनए इनटू द स्केलेटल मसल लीड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग जीन एज वैक्सीन। ये जो जीन एज वैक्सीन अभी जो हो रहा है वैक्सीन, अभी कितने टाइप के वैक्सीन पता है आपको कोरोना के ऊपर? कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पुटनिक है, है ना, और दो तीन है। स्पुटनिक का मीनिंग होता है सैटेलाइट। रशिया में कुछ भी होता तो वो नाम स्पुटनिक ही देते हैं। स्पुटनिक का मीनिंग होता है सैटेलाइट। ड्यू टू द लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन थेरापेटिक बेनिफिट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर कुड नॉट बी डिराइव। दिस मेथड गेव बर्थ टू द कंसेप्ट ऑफ डीएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन बनाने में, और जेनेटिक इम्यूनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी क्रिएट करना जिसके वजह से इन फ्यूचर हमको डिसीज ना हो पाए। यहाँ पर दिख रहा है आपको जीन गन या बायोलिस्टिक जो अभी दिखाया था। अब वहाँ पर आपको डायग्राम ही दिखी थी, यहाँ पर देखो थोड़ा सा और डिटेल में इसको और बड़ा करके दिखा था आपको। दिख रहा है यहाँ पर, यह है फायरिंग पिन, यहाँ पर है गन पाउडर कैटरिज और डीएनए कोटेड पिलेट। पिलेट मतलब बुलेट, माइक्रो प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मतलब आपको पता है जिसको प्रोजेक्ट करना। यहाँ पर वेंट और यही जीन गन। बाकी इसको कैसा कोट किया है, क्या किया है, वो सब मैं आपको बोल चुका हूँ। वेक्टरलेस डायरेक्ट जीन ट्रांसफर डीएनए कोटेड इनटू द माइक्रोस्कोपिक पिलेट इज लिटरली शूट इनटू अ टारगेट सेल। टारगेट सेल मतलब यहाँ पर है प्लांट सेल। ऑल्दो डेवलप्ड फॉर द प्लांट बट ऑल्सो यूज फॉर एनिमल सेल, बोल रहा है, फॉर प्रमोटिंग टिश्यू रिपेयर और रिड्यूसिंग हीलिंग टाइम। दिस मेथड इज मेड ग्रेट इम्पैक्ट इन द फील्ड ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट। मतलब देखो वैक्सीन जो जो बना रहे सभी वैक्सीन बनाने में इनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वैक्सीन नहीं बनाते तो कभी किसी में इम्यूनाइजेशन नहीं आता। बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी देखिए वैक्सीन रिलेटेड। बोल सकते हो क्या इसके आंसर? What is not true for cloning vector? Shuttle vector, shuttle vector तो नहीं आया आपको ऊपर, इसके अंदर दिए वाला है पीयूसी नहीं पड़ा। ये प्रोसेस फॉर, अब उसके बाद आपने को आगे आने वाला प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या करने वाला है, पर ये अभी होगा नहीं। मैं सिर्फ इसका एक थोड़ा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन बोलता हूँ और फिर स्टॉप करेंगे 5 मिनट। आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या है कुछ नहीं, मैं आपको अभी पहले हो चुका हमारा, पर यहाँ पर स्टेप वाइज देखने का हमको कि डीएनए को कैसे आइसोलेट करता है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, नॉलेज लगता है, तो इसके अंदर सेवरल स्टेप्स है टू गेट द डिजायर्ड गोल, मतलब हमको जो चाहिए वो। तो इसके अंदर कौन कौन से स्टेप है? सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करो, डीएनए को आइसोलेट करने का है। कौन से डीएनए को? ऐसा डीएनए जो काम का, या तो उस डीएनए में से हमको जीन भी आइसोलेट करने आते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। तो उस डीएनए के अंदर से हम क्या करेंगे, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस सेंसर। उसके बाद जो जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाले, ऐसा थोड़ी कोई हमारे पास डीएनए समझ लीजिए, ये हमारे पास डीएनए किसी एनिमल में, हाँ इस डीएनए में ये ऐसा सीक्वेंस लगे वाला है किसका, नाइट्रोजन बेस का, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ, ये इतना सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सीक्वेंस है इससे क्या हो रहा है, हमको यूजफुल प्रोडक्ट मिल रहा है, यूजफुल प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो इतने जीन को क्या करें, हम सेपरेट कर रहे हैं। अब लास्ट टाइम देखो क्वेश्चन पूछा था मेरे को किसी ने कि इतना जीन है तो ऐसा जीन पूरे डीएनए में होगा, फिर अपन पूरा डीएनए क्यों नहीं निकाले, डीएनए निकाले पर डीएनए में से ऑनली यूजफुल पार्ट जो है
वही हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से निकालते हैं। क्या पूछा था उस क्वेश्चन में कि सभी तरफ डीएनए सेम होता है, मतलब एजीसीटी, तो कोई भी पार्ट क्यों नहीं ये यूज करता है? तो तब मैंने आपको बोला था, देखो लेटर हमारे पास ए टू जेड है, पर इससे वर्ड बहुत सारे बनते हैं अलग अलग टाइप के। अब ये जो वर्ड बने इसके अंदर अच्छे वर्ड भी और बुरे वर्ड भी है, यूट्यूब पर अच्छा वीडियो भी है खराब वीडियो भी है, आपके पास चॉइस अच्छा करने की भी है खराब करने की भी है। तो वैसा रहता है, डीएनए के अंदर सीक्वेंस तो सब तरफ है, पर कहीं का सीक्वेंस क्या करता है, यूजफुल प्रोडक्ट बनाता है, कहीं का अनयूजफुल प्रोडक्ट बनाता है। तो हमारे को जो काम का सीक्वेंस यहाँ पर दिख रहा है वहां से क्या करते हैं, हम इसको आइसोलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये जो सेपरेट, इस जीन को हमको सेपरेट करना पड़ेगा। अब इसको सेपरेट करते वक्त देखिए, इसको बोला, और जब ये जीन का सीक्वेंस निकालिया, ठीक है इतना सा, तो अब ये अगर एक प्लास्मिड है तो हमको क्या सिर्फ इतने से काम चलेगा क्या? बोलिए, इतना सा डीएनए डाल दिए इसके अंदर, ये हो गया आरडीएनए, तो ये तो आरडीएनए की ओनली वन कॉपी तैयार हुई। ऐसे कॉपी हमको हजारों चाहिए, लाखों चाहिए, क्योंकि अभी देखिए वैक्सीनेशन क्या हो रहा है, एक दिन में मतलब इतने लाख लोगों का हो गया, उतने लाख लोगों का हो गया, तो इतना सब तैयार करने के लिए हमको सिर्फ इतना सा थोड़ी जीन लगेगा। हमको जो जीन मिला है, ये जो यूजफुल जीन मिला है, इसका हमको क्या करना पड़ता है, एम्प्लीफिकेशन करना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज मेरे पास एक अच्छे नोट्स हैं, ठीक है इस टॉपिक पे, तो ऐसा करूँ कि मैं वो जो मेरे पास नोट्स है वो सपोज मैंने ओम को ही दिए, श्रद्धा को ही दिए, हर्षदा को ही दिए, मानसी को ही दिए, इनको ही दिए, बाकी को नहीं दिए, ऐसा नहीं होगा, मेरे को सबको देने का है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा उस नोट्स का, जेरॉक्स कॉपी निकालनी पड़ेगी, उसी को बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। मतलब जहाँ पे भी हमको किसी के जीन्स में यूजफुल हमको जीन का जो सीक्वेंस मिल रहा है, उस जीन का क्या करते हैं हम, एम्प्लीफिकेशन, या तो क्या करें उसी को बोलते हैं मैनिपुलेशन, मतलब उसी चीज़ को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लार्ज अमाउंट में, सो दैट वो जीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कॉपीज प्रोड्यूस कर सके। तो ये हुआ, समझ में आ रहा। उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम होस्ट सेल में, उसके बाद आइडेंटिफाई होगा रिकॉम्बिनेंट कौन है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, बाय द हेल्प ऑफ रेप्लिका मेथड या इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ये बोला था मैंने आपको। उसके बाद जीन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, और उसके बाद फिर होगा उसका प्रोसेसिंग। तो ये सब मेथड्स है, उसमें हमको सबसे पहली मेथड देखना पड़ेगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट कैसे करते हैं। तो ये अब हम देखने वाले कल कि ये कैसा करता है, ठीक है। तो यहाँ तक का पूरा पढ़ के रखो, ठीक है। कल हम ये मेथड देखने वाले डीएनए को कैसे आइसोलेट करते हैं, क्या मेथड रहता है, और ये जो है चीज़ है ये आपको प्रैक्टिकल में भी आने वाला है। अगर अभी ऑफलाइन तुम्हारा लेक्चर का ही भरोसा नहीं, प्रैक्टिकल तो कब होगा। प्रैक्टिकल में आपको ये प्रैक्टिकल था कि डीएनए का आइसोलेशन करना, आपको उसके लिए आपको पालक का जूस, या तो पपई का जूस, पपाया का जूस, उसके बाद अपना निर्मा रहता ना एरियल, ये वो देखूंगा मैं टीम के ऊपर। वो इंस्टॉलेशन का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब ये वर्क नहीं कर रहा मेरे ऊपर, इसलिए मैंने यूट्यूब पर लिया, उसके ऊपर लेंगे, ठीक है। कल देखेंगे कल क्या होता, अगर आज वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो उसके ऊपर लेंगे, नहीं तो नहीं। वो सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करके भी देखा मैं, यहाँ पे वर्क क्यों नहीं कर रहा ये पता नहीं। काम नहीं कर रहा ये, उसके ऊपर आईडी डाल के आज तबीयत खराब थी, फिर हाथ पैर सब दुख रहे, तो ही लिया मैंने क्लास, और बच्चे मस्त ऐश कर रहे, मजा कर रहे, आ रहे नहीं आ रहे कुछ भी कर रहे था, ऐसा होना रहे। इसी को बोलते हैं यूजफुल काम करना, हमको काम की चीज। यहाँ पे क्या हो गया था, मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर साइन इन माइक्रोसॉफ्ट,
ये नीचे है टीम वाला। अब इसके अंदर जब मैं डालूंगा काम नहीं करता है यार। अब देखिए ये काम नहीं करेगा, ये देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, एंटर डिफरेंट अकाउंट टू गेट न्यू वन। अभी हर बार ये प्रॉब्लम दिखा रहा है, इसलिए चालू नहीं हो रहा है। अनइंस्टॉल करके भी देखा, हो नहीं रहा ये काम। किसको पूछूं, ठीक है ना। देखें अब टीम पे लेना है, ऐसा करना। ओके थैंक यू। तो एक दो दिन इवनिंग में क्लास नहीं लूँगा, हुआ देखता हूँ आज या कल, और फिर उसके बाद रीडिंग ले लेंगे हम, कुछ करेंगे। थैंक यू नजीर। Thank you.